जिसके नेतृत्व में महाजन प्रथा को खत्म करके लाखों एकड़ जमीन को आंदोलन से वापस दिलाया था आदिवासी को, दलित को। एक भी आदिवासी, एक भी मूलवासी का यह बड़ा बिल्डिंग नहीं बन रहा, आरोप हम ही को। अरे हम तो यहां का खनिज संपदा हम लोग देख रहे हैं, रेल से भी जा रहा है, सड़क मार्ग से भी जा रहा है, जल मार्ग से भी जा रहा है, देश में भी जा रहा है, विदेश भी जा रहा है। भ्रष्टाचार हम ही लोग के ऊपर बोलता है हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार है। हेमंत सोरेन सरकार तो यो किया जो जंगल का बीच का गांव में जो आज कभी सरकार की योजना नहीं पहुंचा उस जगह में आज पहुंचा रहा, उस जगह में उस परिवार के यहाँ आज दिया, उस परिवार के घर में दिया जला दिया, जो आज सबको पेंशन दे दिया है। जहां कभी बीडीओ सीओ नहीं जाते थे, जहां क्या बीडीओ ऑफिस है, क्या सीओ ऑफिस है, कोई नहीं जानते, उसी जगह में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के चलते डीसी से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ से सारा पदाधिकारी गांव जंगल के बीच गांव तक पहुंचा। ये जो काम किया इसीलिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये गरीब आदमी को हर परिवार किया महीना में 2000-3000 मजबूत करने के लिए हर परिवार का बच्चों सरकार निजी स्कूल से अच्छा पढ़ाई होने के लिए स्मार्ट मॉडल इसको हर पंचायत बनाने के लिए कदम उठा दिया है हेमंत सोरेन सरकार। गांव में आज स्मार्ट मॉडल स्कूल, अनुमंडल जिला प्रखंड में स्मार्ट मॉडल स्कूल, जो शहरी क्षेत्र का निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाई होगा उस जगह में, इसका दर्द होगा उन लोग को। इसीलिए भी अपने तो 18-20 साल में कुछ नहीं किया यहाँ का, और इसीलिए उनका एक तकलीफ आ गया है कि आज यहाँ बुनियादी ढांचा का मजबूत कर रहा है। कभी हम लोग छात्रवृत्ति वो लोग नहीं बढ़ाया था, ये हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रवृत्ति के 1-2 गुना से 3 गुना तक सब विद्यार्थी के लिए बढ़ा दिया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का माइनोरिटी का बच्चा विद्यार्थी विदेश भी पढ़ने हम लोग भेज दिया। मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा का पारदर्शी छात्रवृत्ति के माध्यम से हमारे ये एक आदमी भी ट्रक का मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, हमारे ये एक आदमी भी दूर दत्तक नहीं है, जल मार्ग पानी का जहाज से भी जाता है ना, हमारा कोई रेल के पदाधिकारी है रेल लाइन में, एक भी कंट्रक्टर भी नहीं है, ठेकेदार भी नहीं है, बदनाम बोलता है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़े जाति, यहाँ का माइनोरिटी के ऊपर तरह तरह की बदनाम। हमने जो बुनियादी को देख के ढांचा का मजबूत कर रहा है, इसीलिए इन लोगों का बढ़ावा हटा है कि आज इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा बीन हो गया बीजेपी, इसीलिए अनाप शनाप बकते जा रहा है। इसी सभी आप लोग ये बड़ा संघर्ष का दिन है झारखंड दिशम गुरु शिवू सोरेन का, उस समय भी तो ये लोग कहता था ये झारखंड आंदोलन विच्छिन्नतावादी आंदोलन है, उस समय भी नहीं कहता था झारखंड, ये लोग तो वनांचल का नारा दे देना शुरू कर दिया, झारखंड बोलने से लोग का इनाजी होता, हम लोग झारखंड को अच्छा से संवाद रहे हैं तो ये लोग तकलीफ हो गया। ये हेमंत सरकार ने ऐसे ऐसे युवा बेरोजगार जितना डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, इस राज के अंदर में बहुत सा हजारों की संख्या में निजी कंपनी है जो कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का माइनोरिटी को जाकर नहीं मिलता था, इसीलिए 75% यहाँ का आदिवासी दलित, यहाँ का पिछड़ा जाति वहाँ काम करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, ये एक नियम बना दी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।